स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं साबूदाने की खीर। इसके लिए हमने लिया है ये एक कटोरी भीगा हुआ साबूदाना, जिसको हमने धो के भिगो के और छान के रख लिया है। और ये देखिए फूल गया है, काफ़ी अच्छा हो गया फूल के। और गार्निश करने के लिए काजू और बादाम लिए हैं, फूल मखाने लिए हैं और चीनी ली है। अब हम एक भगोने में दूध डालेंगे और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। हमने ये दूध ले लिया है, इसमें हम ये अपना भीगा हुआ जो साबूदाना है इसको डाल देंगे। साबूदाने की खीर कभी भी बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आप इसको व्रत में ही बनाएं, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। छोटे बच्चों को साबूदाने की खीर देनी चाहिए, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, पौष्टिक भी होती है खाने में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अब हमने इसमें साबूदाना डाल दिया है। अब हमारा जो साबूदाना है वो बॉयल होके थोड़ा चिकना सा हो जाएगा और दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके साथ ही ये चीनी भी डाल देते हैं। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये थोड़े से किशमिश और ये मखाने हैं जो मैं इसमें डाल दूंगी। आप ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं, साथ ही साथ बादाम है, काजू है, इसके साथ भी डाल सकते हैं और ऊपर गार्निश करने के लिए भी रख सकते हैं। अब हम इसको 5-10 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये देखिए 5-10 मिनट के बाद हमारी साबूदाने की जो खीर है वो बनकर तैयार हो चुकी है। साबूदाना भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए साबूदाना कैसे वो एकदम से चिकना चिकना सा हो गया है। आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। अभी हमारी साबूदाने की खीर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको काजू और बादाम से गार्निश करेंगे। आप भी इसको घर पर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।